नेक्स्ट न्यूज़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं राजस्थान को लेकर। राजस्थान में घमासान मचा हुआ है, क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री पद को लेकर अशोक गहलोत है और दूसरी तरफ है सचिन पायलट। लगातार दोनों ही नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें अब अगला मुख्यमंत्री बनना है, यानी कि अशोक गहलोत चाहते हैं कि वही मुख्यमंत्री पद पर रहे। और सचिन पायलट के बारे में अगर मैं जिक्र करती चलूं तो सचिन पायलट वो एक नेता है जिनकी मुख्यमंत्री के बारे में जिक्र किया था राहुल गांधी ने कि अगर अशोक गहलोत हटते हैं तो सचिन पायलट को ये बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन अभी राजस्थान में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्यों? क्योंकि देखिए, अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीते कुछ दिन पहले हम लोगों ने क्या देखा कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कहा और उसके बाद राजस्थान की राजनीति बहुत ज्यादा गर्माने लगी। जयराम रमेश की तरफ से भी बड़ा बयान आया कि एक मुख्यमंत्री पद पर रहकर अशोक गहलोत की तरफ से ये बयान जो दिया गया है अपने आप में बहुत ज्यादा अपमान वाला है। इस तरीके से बयान अशोक गहलोत को नहीं देना चाहिए था, उन्होंने अपना आश्चर्य भी जताया। लेकिन अब सचिन पायलट की तरफ से क्या कुछ बड़ा बयान आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा। इन सब के बीच सचिन पायलट की पत्नी के बारे में बात करते चलेंगे, सारा पायलट के बारे में। सारा पायलट पहले कई दो तीन बार भी बयान दे चुकी है अशोक गहलोत पर, वो तंज कस चुकी है, लेकिन अब सभी की नजरें बनी हुई है कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कहा है। तो अब सारा पायलट की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती है वो भी आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने वाली है और कहा यही जा रहा है, सूत्रों के अनुसार लगातार यही खबरें आ रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध राजस्थान में किया जाएगा। और किसकी तरफ से ये विरोध किया जाएगा? खुद अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट की तरफ से। खैर, ये तो अभी तक जो खबरें हैं वही आ रही है, आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध किया जाएगा। आने वाले वक्त में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार सारा पायलट की तरफ से अशोक गहलोत पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी जाती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।